वेलकम क्लास। आज हम एथोलॉजी का फिफ्थ चैप्टर आपका समाज, इसके लक्षण और लाभ क्या क्या हैं, व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेज ऑफ सोसाइटी, और यहाँ पर हम देखेंगे इसको कुछ संदर्भ लेते हुए तीन जो एनिमल हैं उनके रेफरेंस में हम समाज के लक्षणों को और प्राणियों को इससे होने वाले लाभ के बारे में चर्चा करेंगे। ये तीन एनिमल हैं आपका हिरण या मृग, एक हो गया आपका मधुमक्खी और तीसरा हो गया आपका वानर। इनका रेफरेंस लेते हुए हम यहाँ पर इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समाज के परिचय के बारे में कि समाज क्या चीज है। तो हम ये देखते हैं कि प्राणी जगत में जो कम्युनिटी हैं, समुदाय जो हैं वहाँ पर जीव जंतु और पौधे जो हैं वो अपने अपने आवासों में रहते हैं, लेकिन फिर भी इनके जो डिफरेंट मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन जो है वो होता है। तो इस तरह का किसी समूह के सदस्यों के बीच में जो अन्योन्य क्रियाएँ हो रही हैं, इन्हीं को हम सोशल बिहेवियर या सामाजिक व्यवहार कहते हैं। और इसी से एक विज्ञान की एक नई शाखा जो है वो सोशियोबायोलॉजी जो है वो डेवलप हुई है। जैसे दो प्राणियों के मध्य जो अंतःक्रिया हो रही है, अन्योन्य क्रिया जो हो रही है, उसके हम कुछ उदाहरण देखें यहाँ पर। तो किसी समूह में माता और उसके बच्चे के बीच में, शिशु के बीच में जो संबंध है, या जब ब्रीडिंग सीजन जब आता है, प्रजनन काल जब आता है, तब नर और मादा के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं को इन व्यवहारों में लिया जा सकता है। इसके बारे में हम और डिटेल से चर्चा करेंगे। इसी तरह से टिनबर्गन और डायमंड के अनुसार जब समान जाति के वयस्कों में पॉजिटिव इंटरेक्शन होती हो, तो इसको भी हम सामाजिक व्यवहार की श्रेणी में रखेंगे। जो ये जो धनात्मक अन्योन्य क्रियाएं हो रही हैं, धनात्मक अन्योन्य क्रियाएं, तो इसको भी हम सामाजिक व्यवहार की श्रेणी में लेंगे। ओके, इन चीजों को भी हम सामाजिक व्यवहार की श्रेणी में ले सकते हैं। और सामाजिक संगठन के अनुरूप किन्हीं दो प्राणियों के मध्य जो अन्योन्य क्रिया होती है उनको हम इसके अंदर लेते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि जैसे माता और शिशु के बीच में या प्रजनन काल में इनके बीच में इस प्रकार से जो व्यवहार जो होते हैं उनको हम यहाँ पर इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो समुदाय में जंतु जो है वो एकल रूप में नहीं रह करके एक सामाजिक समुदाय जो है वो बना करके रह सकते हैं, जिनके स्तर जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। और प्राणियों में जो परस्पर डिपेंडेंस है वो कोऑपरेटिव इंटरडिपेंडेंस इनके अंदर पाया जाता है। जितने अधिक समय तक प्राणी जो हैं वो एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, उतने ही इनके बीच में आपको संबंध जो हैं वो मिलेंगे और अलग अलग प्रकार के व्यवहार जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो इसमें हम बात करें अगर, तो इनमें स्ट्रक्चरल पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो पाया जाता है। प्राणी जो हैं वो अलग अलग रूप में पाए जा सकते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण लें मधुमक्खी, चींटी और दीमक का, हम जानते हैं कि ये क्या है आपका, सोशल इंसेक्ट है। तो इन सोशल इंसेक्ट्स में अगर हम देखें सामाजिक समुदाय जो हैं आपके, इनके प्राणियों में न केवल कार्यात्मक विशिष्टता पाई जाती है, जैसे सभी उच्च कॉर्डेट्स में और सभी सामाजिक प्राणियों में डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो यहाँ पर इनमें पाया जाता है। और डिवीजन ऑफ लेबर को सामाजिक व्यवहार का एक महत्वपूर्ण पहलू जो है वो माना जाता है।
सामाजिक संगठन बनाने के लिए जंतु जो हैं क्यों बनाते हैं, ये सामाजिक संगठन क्यों बनाते हैं? क्योंकि सामाजिक संगठन बना करके रहने से जाति के सदस्यों की सुरक्षा और उनके जीवन को सफलतापूर्वक ये कैरी आउट कर सकें, उसके लिए ये सहायक होती है। तो इनमें इस एकता को बनाए रखने के लिए या समाज जो भी इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं जो हैं, उनको एक दूसरे के को देने के लिए इनके अंदर एक कम्युनिकेशन सिस्टम, जो संचार जो है, वो एक आवश्यक प्रक्रिया होती है। अब संचार जो है वो अलग अलग रूपों में हो सकता है। ये ऑडिटरी हो सकता है, सुन करके, बोल करके, सूंघ करके या देख करके विभिन्न सदस्य जो हैं वो आपस में एक दूसरे से संपर्क जो हैं वो बनाते हैं। कुछ जंतुओं में क्या होता है कि सामाजिक समुदाय में एक ही जाति के सदस्य रहते हैं और वो दूसरे जो सदस्य हैं उनकी संततियों यानी उनकी जनरेशन्स की देखभाल करने का काम भी ये करते हैं। इनको क्वाशी सोशियल एनिमल या सामाजिक कल्प इनको कहा जाता है। और कुछ जंतुओं में, सामाजिक समुदायों में अन्य जाति के जीव जंतु भी एक साथ रह सकते हैं। इनको हम इंटर स्पेसिफिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे कि आपका चींटी हो गया, दीमक हो गया, या शेर और वानर के जो कम्युनिटी हैं। तो आइजनबर्ग 1965 के अनुरूप सामाजिक संगठन की कुछ विशेषताएं होती हैं। पहली चीज जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर, कि यहाँ पर क्या होता है, श्रम विभाजन प्रभेद या स्तरों पर पाया जाता है। यानी श्रम विभाजन का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग प्राणी जो हैं वो अलग अलग प्रकार का कार्य करते हैं। जैसे हम अगर उदाहरण लें हनी बी का, तो उसमें श्रमिक, नर और रानी, ये प्रभेद आप उसके अंदर देख सकते हैं, जो कि तीनों ही अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। इनके बारे में हम बाद में और डिटेल से बात करेंगे। और एक और चीज, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये संचार तंत्र जो है वो इनके बीच में होता है। ठीक है, ये हमने हनी बी के डांसेज के बारे में हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि वो किस तरह से कम्युनिकेट जो है वो करती है। तो इन सदस्यों को एक साथ क्यों रहते हैं ये, क्योंकि इनके बीच में एक कठोर संगठनात्मक बल जो है वो पाया जाता है। जैसे इस केस में देखें, हनी बी के केस में, तो हमने आपको बताया था कि क्वीन सब्सटेंस जो है वो रानी जो है वो सिक्रीट करती है, और उसी के कारण से ये सभी जो हैं वो एक दूसरे के साथ में एसोसिएटेड यहाँ पर रहते हैं, और कोई नई रानी जो है वो वहाँ पर नहीं बन पाती है। ठीक, तो ये जो सिस्टम है ये एक परमानेंट टाइप का सिस्टम है, जिसमें प्राणी जो है वो काफी लंबे समय तक एक दूसरे के साथ यहाँ पर ये रहते हैं। तो इनके कारण से सामाजिकता का विकास होता है, और ये हमेशा स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। कीटों की कुछ जातियों में आपने देखा होगा कि प्राणी जो है कुछ विशेष अवसरों के ऊपर ही एक दूसरे के साथ में आते हैं। जैसे जो वेस्प हैं वो समूह में सोते हैं और एक साथ हाइबरनेशन में ये जाते हैं, और कुछ लेपिडोप्टेरा के जो कीट हैं वो संगठित होकर के और प्रवास करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। जैसे कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि हमारा जो इमिग्रेंट बटरफ्लाई है, कॉमन इमिग्रेंट बटरफ्लाई, ये आपने देखा होगा कि काफी बड़ी संख्या में आपका पश्चिम से पूर्व की ओर उड़ती हुई हमें नजर आई थी महीने भर पहले। वो तो काफी सारे एक साथ ये हो जाते हैं। तो वो एक टेम्परेरी एसोसिएशन है उनका, कि कुछ समय के लिए वो एक दूसरे के साथ हैं, उनके बीच में वो इंटरेक्शन नहीं होता है जो कि जो सामाजिक कीट जो है वो एक दूसरे के साथ रहते हुए करते हैं। कुछ जातियों में क्या होता है कि जंतु जो है वो केवल ब्रीडिंग सीजन में ही एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक छोटा समूह जो है वो बना लेते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि जंतु की कुछ जातियां जो है निवास करने के लिए अलग अलग आश्रय जो है वो बनाती है, लेकिन उस कॉलोनी में जाने का उनका एंट्रेंस जो है वो एक ही होता है। तो इकोलॉजी के अनुसार जंतुओं का एक स्थान पर एकत्रित होना एक सामान्य प्रक्रिया है। वो
अलग अलग फैक्टर्स की वजह से एक किसी एक समय पर एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं। और इस प्रकार से कुछ स्थानों पर एक या एक से अधिक जाति के सदस्यों के एकत्रित होने से एक ऑर्गेनाइजेशन या संगठन का निर्माण जो है वो होता है। और ये ऐसा संगठन जो है ये प्राणियों के लिए तब तक ही लाभदायक है जब तक कि वो इतना बड़ा नहीं हो जाए कि उनके बीच में कंपटीशन उग्र हो जाए और एक दूसरे के लिए ये घातक सिद्ध होने लगे। जैसे बहुत सारे जंतु, अगर शाकाहारी जंतु एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे तो फूड की अवेलेबिलिटी वहां पर कम हो जाएगी और उसके कारण से उनके बीच में कंफ्लिक्ट जो है वो होगा। तो समाज जंतुओं के संदर्भ में अगर हम देखें तो इसकी कोई खास संरचना नहीं है, लेकिन ये समाज है इसका आकलन हम कुछ खास लक्षणों के आधार पर करते हैं। जैसे कि समाज का जो निर्माण है वो एक ही जाति के कई सदस्यों के द्वारा एक साथ रहने से होता है और इनके मध्य में जो संगठनात्मक बल है ये बहुत अधिक विकसित प्रकार का होता है। समाज का निर्माण करने वाला प्रत्येक प्राणी जो है वो अपनी भूमिका को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण होता है और इनमें एक दूसरे की मदद करने का भाव जो है वो विकसित होता है, जिसको हम सहकारिता कह रहे हैं। ओके, ये विकसित इनके अंदर होता है। तो समाज के भीतर दूसरी चीज मैंने जैसे पहले कहा था कि कम्युनिकेशन सिस्टम इनके अंदर होता है और उस कम्युनिकेशन सिस्टम की वजह से इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ में ये किया जाता है। समाज में प्राणी जो है वो छोटी छोटी यूनिट्स के अंदर रह सकते हैं और ये जो यूनिट्स हैं वो सब यूनिट्स में डिवाइडेड हो सकती हैं, लेकिन ये आपस में संगठित बनी हुई रहती हैं और इनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसकी वजह से उनके रिलेशंस में हमेशा सुधार जो है वो होता रहता है। इसी तरह से ये देखा गया है कि समाज में जो जंतु हैं उन जंतुओं में कुछ विशिष्ट लक्षण जो हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं और जिनके कारण से वो इस पूरे एसोसिएशन को लाभ पहुंचाने का काम जो है वो करते हैं। समाज का जो निर्माण है वो स्वतंत्र रूप से प्राणियों के संगठित होने के कारण से होता है, जहां पर प्रत्येक सदस्य जो है वो कुछ क्रियाओं का निर्वहन करता है, लेकिन वो इंटरडिपेंडेंस यहाँ पर भी पाई जाती है कि जंतु जो है वो एक दूसरे के ऊपर आश्रित जो है वो रहते हैं। अकॉर्डिंग टू एली 1938 कि कई बार प्राणी जो है वो अस्थायी रूप से ग्रुप्ड हो जाते हैं, किसी समूह किसी जगह पर आकर के समूह जो है वो बना लेते हैं, ये प्रक्रिया इसके अंदर सहायक होती है। उनके जीवित रहने के लिए भी ये सहायक उसके अंदर होती है। जैसे अगर हम वाटर फ्लाइज की बात करें तो ये क्षारीय माध्यम में अकेली जो वाटर फ्लाई है वो नहीं रह सकती है, लेकिन जब ये समूह बना करके वहां रहती है तो ये वहां जीवित रह जा पाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब ये समूह में रहती हैं तो अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर उत्सर्जित होंगी जो कि जल की क्षारकता को कम करने का काम करती है और इस तरह से समूह में रहने पर ये उस क्षारीय माध्यम में भी जीवित जो है वो बने हुए रह सकते हैं। अगर ये अकेले रहते हैं वहां पर तो उस क्षारीय माध्यम में ये जीवित नहीं रह सकते। इस तरह से इनका जो एसोसिएशन है वो इनको जीवित रखने में भी यहाँ पर मदद इनकी कर रहा है। तो जब प्राणी जो है समाज में रहता है तो ऐसा देखा गया है कि एट ए टाइम 3 से 4 जनरेशन जो है वो हम उनके अंदर देख सकते हैं, एक ही समय पर ये हमें नजर आने लगती हैं। इसी तरह से क्रोपोटकिन जो हैं उन्होंने बताया, क्रोपोटकिन के जो फूड मटेरियल है, खाद्य सामग्री की जो आवश्यकता है जंतुओं में, वो उनमें कंपटीशन बढ़ाती हैं, जबकि जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है, प्रजनन का व्यवहार जो है, वो इन्हें एक दूसरे के पास आने का अपॉर्चुनिटी जो है वो देता है, अवसर इनको प्रदान करता है। दूसरा कि जो सामाजिक व्यवहार है इसका एक बहुत अच्छी चीज ये है कि इनमें परोपकारिता या एल्ट्रूसिज्म जो है वो पाई जाती है, जहां पर कि
समाज का प्रत्येक सदस्य खुद के हित को नहीं देखते हुए दूसरे जंतुओं की भी सहायता वहां पर करता है, और कभी कभी तो यहाँ इतना हो जाता है कि वो अपने समूह के सदस्यों की रक्षा करने के लिए अपने प्राण भी वो दे सकता है। जैसे हम बात करें कि वेस्प हो गया, आंट हो गया, टर्माइट हो गया या हनी भी हो गया, इनमें एक बहुत अधिक विकसित प्रकार का सामाजिक संगठन जो है वो पाया जाता है, और प्रत्येक सदस्य की संरचना अपने उस समाज में कोई एक विशेष कार्य करने के लिए अनुकूलित होती है। सोशल जो इंसेक्ट जितने भी हैं वो एक फिक्स्ड और स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर जो है वो प्रदर्शित करते हैं। स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर क्या होते हैं ये हमने शुरुआत में पढ़ा था इथोलॉजी में, इसी में। तो प्रत्येक सदस्य खुद का कार्य जो कि वो जेनेटिकली उसको प्राप्त हुआ है लक्षण, उसके अनुसार वो कार्य करता है, ये उससे अलग तरह के कार्य जो है वो नहीं कर सकता है। जैसे जितने भी सोशल इंसेक्ट्स हैं वो एक अपने रहने के लिए एक जगह का निर्माण करते हैं, जिसको कि मधुमक्खी के केस में हम छत्ता या हाइव जो है वो कहते हैं। कुछ जो है वो नेस्ट भी बनाती हैं, जैसे आपका जो आंट्स हैं वो पेड़ों के ऊपर भी छत्ते बनाने का काम जो है वो, नेस्ट बनाने का काम जो है वो करती हैं। तो इस तरह से पूरा ओवरऑल अगर हम इस सोसाइटी को देखें इसके मेंबर्स के रेफरेंस में, तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हो जाता है। इसी तरह से कुछ बर्ड्स में भी सामाजिक संगठन देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ जो जंतु हैं जैसे कि एल्बेट्रॉस हैं, वो एक दूसरे के संपर्क में कम आते हैं, लेकिन माइग्रेशन के समय ये एक साथ उड़ते हैं। इसी तरह से जो पेलिकन है वो मूल रूप से ग्रिगेरियस एनिमल है। देखिए, एनिमल जो है वो या तो अकेला रह सकता है, सोलिटरी हो सकता है, या पेयर बना करके रह सकता है, या कॉलोनी बना करके और रह सकता है। ज्यादातर जो बर्ड्स हैं वो कॉलोनी में तभी आते हैं जबकि वो ब्रीडिंग सीजन उनका हो रहा हो। इसी तरह से जो प्राइमेट्स हैं उनमें जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने विकास के मैक्सिमम या कहें कि चरम पर जो है वो वहाँ पर आ चुका होता है। जो समाज हम कब कहेंगे इसको कि उसमें कुछ जो लक्षण हैं उसकी उपस्थिति अवश्य होती है। जैसे एक बात करें हम यहाँ पर, वो है आपका कॉपरेशन। कॉपरेशन से हमारा क्या मतलब है कि एक दूसरे के साथ में सहयोग करना। तो समाज में जो प्राणी रह रहे हैं वो आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए वहाँ पर रहते हैं, और अनेक बार देखा गया है कि वो अपनी जाति के या अपने समाज के सदस्यों की रक्षा करने में भी सहयोग जो है वो करते हैं। ओके, दूसरी चीज जो है वो आपका कल्चर। कल्चर से हमारा मतलब है कि वो जो सोसाइटी बनी है एनिमल की, उसके अंदर कुछ स्पीसीज स्पेसिफिक बिहेवियर जो है, जाति विशिष्ट व्यवहार जो है वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि शिकार को खोजना, शिकार करने की जो मेथड हैं वो वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक हो जाती हैं, या भोजन प्राप्त किस प्रकार से किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दिया था कि जापानीज मकाक जो है जब वो स्वीट पोटैटो को खा रहा था तो उसके हाथ से वो छूट करके और पानी में गिर जाता है, जिससे कि उसकी मिट्टी साफ हो जाती है। तो अगली बार जब भी वो स्वीट पोटैटो उसको मिलता तो वो क्या करता कि उसको पानी में धो करके बार बार निकाल करके और फिर खाता था। तो उसको देख करके उस समूह के दूसरे जापानीज मकाक ने भी इस चीज को सीख लिया कि इस तरह से अगर ये जो स्वीट पोटैटो है इससे मिट्टी हटा करके और खाई जाए तो ये थोड़ा टेस्ट जो है इसका अच्छा हो जाता है। तो इसको धीरे धीरे उस द्वीप पर पाए जाने वाले सभी जो मकाक्स थे उन्होंने इसको सीख लिया। एक और जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, वो है टेरिटरी, टेरिटोरियलिटी कहते हैं इसको, सीमा का रक्षण करना। हमने आपको एग्जाम्पल बताया था थ्री स्पाइन स्टिकलबैक फिश का, कि वो रेड बेली वाला जो भी नर उसके अंदर आता है तो वो उसको अटैक करने का काम जो है वो करता है। ये हम पहले एक बार यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो एक्चुअली वो कर क्या रहा है कि वो अपनी सीमा का रक्षण कर रहा होता है, उसकी सीमा को डिफेंड करता है, जिससे कि कोई पोटेंशियल कंपटीटर उसका, कोई संभावित
कंपटीटर जो है वो उसके अंदर वहां पर नहीं आ सके। और इसके लिए अलग अलग प्रकार की विधियों का उपयोग जो है वो लिया जाता है। और एक विधि जो हमने फिरामोन में देखी थी कि मार्किंग करता है एनिमल, कि उसकी जो सीमा है वहां पर वो मार्किंग करता है। जैसे मैंने आपको डॉग का एग्जाम्पल दिया था, और लॉयन है, पेंथर है, ये सभी, और डियर जो है, ये अपनी अपनी सीमा में अलग अलग जगह पर अपने अपने फेरोमोन से उसको मार्क कर देते हैं, जिससे कि उसके दूसरे जो सदस्य वहां पर आते हैं तो उनको इसकी उपस्थिति के बारे में पता चल जाता है। तो एक तो ये चीज हो गई आपकी। दूसरा कि आपस में लड़ाई झगड़ा करके और अपनी डोमिनेंस शो करके भी प्राणी जो है वो अपनी टेरिटरी को रक्षा करता है, उसको बताता है कि ये उसकी टेरिटरी है। तो ये जो चीजें हैं वो जनरली फूड मटेरियल के अलावा प्रजनन क्रिया के लिए मादा की सुरक्षा भी इसके द्वारा प्राणी जो है वो डिपेंड करके और करता है। और अगर वो इस टेरिटरी को डिपेंड नहीं कर सकता है तो बाहर से आने वाले दूसरे जो पोटेंशियल थ्रेट जिनको हम कह रहे थे, वो प्राणी इसकी सीमा पर और इनकी ग्रुप की मादाओं के ऊपर भी अपना अधिकार जो है वो बना लेते हैं। एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका, डोमिनेंस या प्रभाविता। प्रभाविता के माध्यम से पता चलता है कि उसकी स्तर क्या है, उसमें किसी प्राणी का उस समाज में स्तर क्या है। जैसे हमने कहा था कि एक बंदर के समूह में एक जो लीडर होगा उसका, वो उसको अल्फा मेल कहेंगे, उसके अंदर कुछ फीमेल्स होंगी और फिर उनके बच्चे जो हैं वो उसके साथ में पाए जाते हैं। तो प्रभाविता से हमारा मतलब क्या है कि अल्फा मेल कौन होगा जो कि सबसे बलशाली होगा और उसको कुछ प्रिविलेज्ड होगा, उसको कुछ सहूलियतें जो है वो मिलती है, जैसे कि भोजन, प्रजनन और आवास में जो सबसे अच्छा स्थान होगा उसके ऊपर सबसे पहले उसका अधिकार जो है वो होता है। तो इसके आधार पर दो प्रकार के समूह जो हैं वो बन जाते हैं, एक तो जो आपका डोमिनेंट हो जाएगा, फिर दूसरा उसका सब डोमिनेंट हो जाएगा। डोमिनेंट जो है वो पूरे समूह के सभी सदस्यों के ऊपर अपना प्रभाव रखता है, और जो सब डोमिनेंट है वो डोमिनेंट के अलावा दूसरे जो सदस्य हैं उनके ऊपर अपना प्रभाव जो है वो रख पाता है। इस तरह से एक हायरार्की जो है वो वहां पर बन जाती है। तो इसको हम कहते हैं डोमिनेंस हायरार्की या प्रभाविता पदानुक्रम इसको कहा जाता है। तो प्रभाविता पदानुक्रम में समाज का प्रत्येक सदस्य अपने एक निश्चित स्थान पर उसके अंदर ये पाया जाता है। और आप इसको खास करके बंदर और गोरिल्ला वगैरह में इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। एक और कैरेक्टर है इसका पैतृक रक्षण। सीमा के साथ साथ उनमें पेरेंटल केयर भी पाई जाती है। पेरेंटल केयर का मतलब क्या है कि जनक जो है वो अपने शिशुओं की रक्षा के लिए अनेक तरह के सिस्टम या प्रणालियों का प्रयोग जो है वो करते हैं। जैसे मधुमक्खियों में अगर आप देखें तो वो पोषण करवाती है, अंडों और लार्वों की देखरेख करती है, उनके जो चेंबर हैं उन चेंबरों की साफ सफाई का काम ये करती हैं, और अगर कोई इंट्रूडर वहां आ जाता है तो उससे भी रक्षा करने का काम श्रमिकों के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से मछली, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स और बर्ड्स में भी हायर ऑर्डर का पैतृक संरक्षण हम वहां पर देख सकते हैं। लेकिन जो मैमल्स और प्राइमेट्स हैं उनमें इसको हम अपने पीक पर देख सकते हैं कि ये उनमें सबसे अधिक विकसित प्रकार से पाया जाता है। एक और होता है आपका सहोपकार। ये हम इसके बाद में, ये चैप्टर हमारा, आज का लेक्चर हम यहाँ पर खत्म करेंगे कि सहोपकार या एल्ट्रुइज्म क्या है। तो एल्ट्रुइज्म एक ऐसा व्यवहार है जो प्राइमेट्स में हम बहुत कॉमन रूप से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो सदस्य है बिना अपनी प्रायोरिटीज को सोचे, यानी उसके खुद के लाभ की अपेक्षा वो पूरे समाज के लाभ के लिए कार्य जो है वो करता है। जैसे अगर हम देखें कि बंदरों में अगर आप देखें इसको, तो जो छोटे बच्चे होते हैं
उनकी उनकी देखभाल करने का काम केवल उनकी माँ ही नहीं करती हैं, उसके अलावा उसके जो दूसरे सदस्य हैं वो भी उसकी उसी प्रकार से देखभाल करते हैं जैसे कि उसकी माँ करती है। इसको हम आंट बिहेवियर भी कहते हैं। इसी तरह से वाइल्ड डॉग्स में आप ये देखेंगे कि जंतु जब वो शिकार के लिए जाते हैं तो अपने छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी रक्षा के लिए ये कुछ प्राणियों को वहाँ पर छोड़ करके और जाते हैं। तो अगर वो प्राणी वहाँ रहेगा तो वो शिकार पर नहीं जा पाएगा, तो उसको भोजन नहीं मिलेगा। तो जब ये वाइल्ड डॉग्स शिकार करते हैं तो अपने मुंह में वो शिकार के पीसेज जो हैं वो लेकर के और आते हैं और उसको रिगुरेट कर देते हैं वो बच्चों के साथ में, और उन सदस्यों के लिए भी जो कि शिकार में नहीं जा करके और वहाँ रक्षा के लिए उन बच्चों की रक्षा के लिए रुके हुए थे, तो उनको फीडिंग करने का काम जो है वो वहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि इस तरह के सामाजिक संगठनों से क्या लाभ जो है वो होता है। ओके, थैंक यू।